हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंटिस्ट। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे वर्किंग ऑफ न्यूमेटिक ड्रम ब्रेक के बारे में कि आखिर में न्यूमेटिक ड्रम ब्रेक कैसे काम करता है। ठीक है, ये जो टॉपिक है डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर और सब्जेक्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इसके रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि न्यूमेटिक ड्रम ब्रेक क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग। ठीक है, इस वाली वीडियो में मैंने सारी कुछ एक्सप्लेन किया है एवी एनिमेशन के साथ। ठीक है स्टूडेंट, अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर वीडियो शेयर कीजिए, अगर बढ़िया तरीके से टॉपिक समझ जाते हैं तो। ठीक है, ये जो यहाँ पे वर्किंग को समझने से पहले इसका न्यूमेटिक ड्रम ब्रेक का उसको वापस समझना होगा कि आखिर न्यूमेटिक ड्रम ब्रेक होता क्या है। ठीक है, मैंने इस वाली वीडियो में सबसे पहले वही डिस्कशन किया है। ठीक है, ऐसे मुख्य रूप से ब्रेक के यहाँ पे तीन टाइप होते हैं, मैंने यहाँ पे इसका थर्ड टाइप डिस्कशन किया है। ठीक है, अगर फर्स्ट और सेकंड देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जरूर जाके आप देख सकते हैं और यहाँ पे न्यूमेटिक ड्रम ब्रेक और हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक का कंपेरिजन भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में न्यूमेटिक ड्रम ब्रेक होता क्या है। तो देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिख के बताइए कि व्हाट इज ए न्यूमेटिक ड्रम ब्रेक, और साथ में इसके नीचे में आंसर भी लिखी हुई है। लिखी हुई क्या है कि ए न्यूमेटिक ड्रम ब्रेक इज ए ब्रेकिंग मैकेनिज्म डेट यूजेस एयर टू ट्रांसमिट फोर्स इनटू ए सेट ऑफ शू और पैड डेट प्रेस आउटवर्ड अगेंस्ट ए रोटेटिंग सिलेंडर शेप्ड पार्ट कोल्ड ए ब्रेक ड्रम। मतलब कहने का मतलब है, देख सकते हैं नीचे में लिखी हुई क्या है कि एक वायु चलित ड्रम ब्रेक एक ब्रेकिंग तंत्र है जो हवा का उपयोग जूते या पैड के एक सेट में बल संचालित करने के लिए करता है, जो एक घूर्ण सिलेंडर के आकार वाले भाग के खिलाफ बाहर की ओर दबाता है, जिसे ब्रेक ड्रम कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि न्यूमेटिक में होता है वायु चलित, मतलब वायु से चलने वाला यंत्र को एक तरह का वायु चलित मैकेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, इसमें एयर कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है इस न्यूमेटिक ड्रम ब्रेक के अंदर, और इसमें क्या होती है एयर के प्रेशर के सहयोग से गाड़ी के व्हील में क्या होती है ब्रेकिंग सिस्टम वर्क करती है और उसकी रोटेशन वाली जो व्हील होती है उसको रोकने का काम किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर वही चीज लिखा हुआ है कि एक वायु चलित ड्रम ब्रेकिंग एक तरह का मैकेनिज्म होता है, एक तरह का ऐसा ब्रेकिंग सिस्टम होता है। इसमें क्या होती है कि हवा का उपयोग किया जाता है। हवा का उपयोग किस लिए करते हैं, इसके अंदर उपयोग किया जाता है एक सेट ऑफ शू का, मतलब एक तरह का पैड का, वो क्या काम करती है फैलती है हवा के सहयोग से। ठीक है, वो मैकेनिज्म वर्क करती है, फैलती है, फैलने से क्या होती है उसमें एक फोर्स लगती है हवा के सहयोग से, और जो उस जो हमारा सेट ऑफ शू के बाहर की ओर जो रोटेशन कर रही है एक ड्रम के आकार की, यहाँ पे एक सिलेंडर जिसको एक तरह का ब्रेक यहाँ पे ड्रम कहते हैं, तो जो हमारा जो व्हील के साथ अटैच होती है उसके इंटरनल पार्ट में क्या होती है ब्रेक शू यहाँ पे फ्रिक्शन पैदा करती है। अब फ्रिक्शन पैदा करती है और किसके सहयोग से करती है, एयर के सहयोग से करती है, जब उसको बल संचालित किया जाता है उसको फैलाने का काम करता है ब्रेक शू को एयर। ठीक है, तो वहाँ क्या होती है फ्रिक्शन जैसे पैदा होती है उसके इंटरनल पार्ट में, तो एक समय ऐसा आता है कि जो बाहर में रोटेशन कर रही है ब्रेक ड्रम, वो एक समय ऐसा आता है जो व्हील के साथ अटैच होती है वो रुक जाती है, जिसके कारण क्या होती है कि वहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम वर्क करता है और गाड़ी को व्हील को रोकने का काम करता है ये एयर के सहयोग से, जिसको एक तरह का न्यूमेटिक ड्रम ब्रेक कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसको सटीक भाषा में कहा जाए कि आखिर न्यूमेटिक ड्रम ब्रेक क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि न्यूमेटिक ड्रम ब्रेक एक तरह का ऐसा वायु चलित यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम होता है जो यहाँ पे एयर के सहयोग से गाड़ी को व्हील को रोकने का काम करता है। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे सेट ऑफ शू का उपयोग किया जाता है जो यहाँ पे एयर के सहयोग से फैलता है, उसकी मैकेनिज्म वर्क करती है, उसी को एक तरह का न्यूमेटिक ड्रम ब्रेक मैकेनिज्म सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अगर इसके यूजेस की अगर बात करेंगे कि आखिर न्यूमेटिक ड्रम ब्रेक का जो सिस्टम है इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे लिखी हुई है कि हैवी कमर्शियल व्हीकल में इसका उपयोग किया जाता है, बस है, कार है जो हैवी टाइप के होते हैं, और ट्रक है, हाईवा है, ये सब गाड़ियों में इसका खास तौर को उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं अगर कोई भी बस रुकती है तो अचानक से एक एयर का यहाँ पे आपके सामने आवाज आती है। ठीक है, तो वहां पे क्या होती है एयर को रिलीज किया जाता है जब यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम वर्क कर देती है तब। ठीक है, तो चलिए आप समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर न्यूमेटिक ड्रम ब्रेक कैसे बना होता है, कौन कौन पार्ट है, कंपोनेंट के क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होती है न्यूमेटिक ड्रम ब्रेक को बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है एक यहाँ पे ब्रेक ड्रम की, इसको एक तरह का ब्रेक ड्रम कहते हैं, बिल्कुल यहाँ पर ड्रम की शेप की होती है, बिल्कुल सिलेंड्रिकल आकार की होती है। ठीक है, अगर आप इसको रियल विश इमेज देखिएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा नजर आएगी। ठीक है, देख सकते हैं यही व्हील के साथ क्या होती है अटैच होती है, यही रोटेशन करती है, और इसके अंदर जो मैकेनिज्म का उपयोग करेंगे तो वो अपने जगह स्थिर होती है, और इसके इंटरनल पार्ट में इसके क्या होती है घर्षण पैदा करती है। देख सकते हैं इसको इंटरनल पार्ट बोलेंगे, जो यहां पर घर्षण पैदा होती है तो ये रुकती है और साथ में व्हीकल का व्हील भी रुक जाती है। ठीक है, अब क्या होती है इसके अंदर उपयोग किया जाता है एक यहां पर बेक प्लेट का, इसको एक तरह का बेक प्लेट बोलेंगे जी, इसके ऊपर यहां पर ब्रेक शू और अदर मैकेनिज्म इसके ऊपर सेट रहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है अपनी जगह स्थिर होती है, और इसके ऊपर वाली जितनी मैकेनिज्म उपयोग करेंगे वो भी स्थिर रहेगी। ठीक है, इसके ऊपर जो मैकेनिज्म यूज करेंगे वही जाके यहां पर ड्रम ब्रेक के इंटरनल पार्ट में
यहाँ पे उस पर फोर्स लगाएगी, उसको रोकने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब क्या होती है इसकी बीच वाली पार्ट को क्या बोलते हैं, कहता है व्हील हब बोलते हैं। यहीं पे क्या होती है व्हील की जो शाफ्ट होती है अटैच होती है हमारा इस यहाँ पे न्यूमेटिक ड्रम ब्रेक में। ठीक है, अब क्या होती है ये जो ब्रेक प्लेट के ऊपर उपयोग किया जाता है एक यहाँ पे सेट ऑफ शू का, जिसको एक तरह का ब्रेक शू कहते हैं, देख सकते हैं दो को यहाँ पे शू का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्या मूवेबल होती है, मूवमेंट करती है। ठीक है, अब क्या होती है ये सेट शू के ऊपर जस्ट उपयोग किया जाता है, जस्ट इसके आगे में एक यहाँ पे फ्रिक्शन लाइनिंग का उपयोग किया जाता है, देख सकते हैं इसको एक तरह फ्रिक्शन लाइनिंग कहते हैं। यही फ्रिक्शन लाइनिंग क्या होती है हमारा जो ड्रम ब्रेक के इंटरनल पार्ट में यहाँ पे फोर्स लगाती है, फ्रिक्शन पैदा करती है, उसको रोकने की कोशिश करती है। ठीक है, यही फ्रिक्शन लाइनिंग अगर खराब हो जाता है हमारा गाड़ी का व्हीकल में तो क्या होती है हमें पूरी यहाँ पे ब्रेक शू को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरीके से ब्रेक शू के साथ अटैच होती है। ठीक है, अब क्या होती है ये जो हमारा जो दो गो सेट ऑफ शू का जो ब्रेक शू है जस्ट इसको नीचे में बढ़िया तरीके से पिवोट किया जाता है, अपने जगह पर पॉइंटेड किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं एडजस्टर बोलते हैं, जो बढ़िया तरीके से ब्रेक शू को पकड़ कर रखती है। ठीक है, अब क्या होती है दोनों यहाँ पे पॉइंटेड करने के लिए एक फलक्रम पिन बोलते हैं इसको, एक तरफ पिवोट पॉइंट भी आप बोल सकते हैं, खाली यहाँ पे इसके जगह पर मूव करती है, बस अपने जगह पे ये मूवमेंट करने का काम करती है ब्रेक शू, और ये अपने जगह पर एडजस्टर बढ़िया तरीके से फिक्स रहती है। ठीक है, अब क्या होती है इसके साइड वाली जो पट्टी होती है निकली हुई इसको एक तरह अनकोर बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होती है ये जो ब्रेक शू है अपने ओरिजिनल पोजिशन में आने के लिए जब इसमें क्या होती है एयर का प्रेशर देने से फैलती है, जब इसको अपने ओरिजिनल पोजिशन में आने के लिए बढ़िया तरीके से उसको यहाँ पे उपयोग किया जाता है, इसमें एक तरह का स्प्रिंग का, इसको क्या बोलेंगे एक तरह रिटर्न स्प्रिंग ए बोलेंगे। ठीक है, देख सकते हैं एक रिटर्न स्प्रिंग ए बोलेंगे। अब क्या होती है जैसे इसके नीचे में एक ठोर स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है जिसको एक तरह एडजस्टर स्प्रिंग बी बोलेंगे। ठीक है, क्या होती है दो को यहाँ पे स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है जो अपना यहाँ पे ब्रेक शू को बढ़िया तरीके से ओरिजिनल पोजिशन में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया जाता है। ठीक है, अब क्या होती है ये ब्रेक शू को सही तरीके से वर्क कराने के लिए और फैलाने के लिए यहाँ पे एक उपयोग किया जाता है एस शेप्ड कैम का, इसको कैम बोलेंगे, जो यहाँ पे रोटेशन करती है तो क्या होती है ब्रेक शू यहाँ फैलती है। ठीक है, ये जो एस शेप की जो कैम है इसको मूवमेंट कराने के लिए इसके साथ कनेक्ट किया जाता है एक यहाँ पे स्टेक एडजस्टर का, एक यहाँ पे पतली सी यहाँ पे प्लेट होती है जो कास्ट आयरन मटेरियल की बनी होती है, जस्ट इसके आगे में पिवोट किया जाता है यहाँ पुश रड को। ठीक है, जस्ट इसके आगे वाली भाग को एक तरह का डायफ्राम बोलते हैं और इसके ये भाग को क्या बोलते हैं एक तरह का यहाँ पे रिटर्न स्प्रिंग बोलते हैं। ये पूरी जो मैकेनिज्म फिट होती है एक तरह के यहाँ पे न्यूमेटिक सिलेंडर के अंदर फिट होती है, इसको तरह न्यूमेटिक सिलेंडर बोलेंगे, एक तरह का मतलब इसको आप एयर चैम्बर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, जस्ट इसके आगे में एक सॉलिड पाइप का उपयोग किया जाता है, ये पाइप के सहयोग से एयर इसके अंदर पास होती है मतलब जाती है। ठीक है, ये जो सॉलिड पाइप है जस्ट इसके आगे में उपयोग किया जाता है एक तरह का यहाँ पे वाल्व का, ठीक है, जिसको एक तरह का वाल्व चैम्बर भी आप बोल सकते हैं और इसको एक तरह का वाल्व बोल सकते हैं, जो ये वाल्व कनेक्ट होती है ब्रेक पेडल के सहयोग से। ठीक है, जब ब्रेक पेडल को जब प्रेस करते हैं तो ये वाल्व ओपन होती है और जस्ट इसके ऊपर में एयर कंप्रेसर के सहयोग से एयर आती है तो कुछ इस तरह से बढ़िया तरीके से कंस्ट्रक्शन हो जाती है हमारा न्यूमेटिक ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम का। तो चलिए आप समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में न्यूमेटिक ड्रम ब्रेक कैसे वर्क करता है, आखिर में किस तरह से एयर के प्रेशर के सहयोग से ब्रेक शू को यहाँ पे फोर्स लगाता है और ब्रेक शू किस तरह से यहाँ पे फ्रिक्शन पैदा करती है ड्रम ब्रेक के इंटरनल पार्ट में और ब्रेकिंग सिस्टम वर्क करता है और गाड़ी के व्हील को रोकने का काम करता है, ये चीज़ को समझते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो नज़र आ रही है आपके सामने जो न्यूमेटिक ड्रम ब्रेक की पूरी मैकेनिज्म, ये क्या होती है गाड़ी के व्हील के साथ अटैच होती है। ठीक है, और ये जो ब्रेक ड्रम है ये भी अटैच होती है और इस पूरी सिस्टम अटैच होती है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे गाड़ी को हम लोग चलाते हैं और इसकी रोटेशन करती है तो यहाँ ब्रेक ड्रम जो अटैच होती है गाड़ी के व्हील के साथ तो ये भी रोटेशन करने लगती है, देख सकते हैं कुछ आपके सामने कुछ ऐसा नजर आएगी, इस तरह से रोटेशन करने लगेगी। ठीक है, जब इस तरह से रोटेशन करेगी, ठीक है, अब जैसे ही बारी आती है ब्रेक यहाँ पे लगाने के लिए एयर प्रेशर के सहयोग से तो क्या होती है जैसे ही हम यहाँ पे क्या काम करते हैं कि यहाँ ब्रेक पेडल को प्रेस करते हैं, जैसे ही प्रेस कीजिए तो क्या होगी कि ये जो नजर आ रही है आपके सामने वाल्व चैम्बर के ऊपर में एक यहाँ पे क्या हुई है एयर कंप्रेसर के सहयोग से एयर आती है, जैसे ही आप ब्रेक पेडल को प्रेस करते हैं तो एयर क्या होती है कंप्रेसर के सहयोग से आएगी वाल्व चैंबर में जाएगी, वाल्व ओपन हो जाएगी और वाल्व से ही ओपन होगी तो सॉलिड पाइप के सहयोग से आगे की ओर एयर जाएगी और जाएगी हमारा किस में चल जाएगी यहाँ पे न्यूमेटिक सिलेंडर में चली जाएगी, देख सकते हैं न्यूमेटिक सिलेंडर में आ गई और यहाँ पे क्या होगी डायफ्राम को एक प्रेस करेगी, जैसे ही डायफ्राम प्रेस होगी तो क्या होगी एक यहाँ पे आगे की ओर पुश रड को पुश करेगी, स्प्रिंग भी थोड़ा सा क्या होगी सिकुड़ जाएगी। ठीक है, और जैसे ही आगे की ओर पुश रड यहाँ पे पुश होगी तो क्या होगी जो ये नजर आ रही है स्टेक एडजस्टर ये भी यहाँ पे क्या होगी कि मूव करेगी आगे की ओर, देख सकते कुछ
कुछ ऐसा मूव की। अब जैसे ही ये मूव करेगी तो क्या होगी, ये जो नजर आ रही है आपके सामने एस शेप की कैम, ये भी यहाँ पे मूव करेगी और ये भी मूव करेगी, मतलब रोटेट करेगी। जैसे ही रोटेट करेगी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ रोटेट करके, जैसे ही रोटेट करेगी तो इसके साथ ये क्या होगी कि बाहर में जो लगी हुई है इसके साथ यहाँ पे ब्रेक शू और उसके साथ फ्रिक्शन लाइनिंग भी, ये भी क्या होगी कि फैलेगी। ठीक है, देख सकते कुछ ऐसा फैलेगी और फैलने बाद क्या होगी कि ये जो फ्रिक्शन लाइनिंग है हमारा जो ब्रेक जो ड्रम के इंटरनल पार्ट में क्या होगी कि एक तरह रगड़ाने लगेगी। देख सकते कुछ ऐसा रगड़ाने लगेगी और रगड़ाने के साथ क्या होगी फ्रिक्शन पैदा होगी और जैसे ही फ्रिक्शन पैदा होगी तो क्या होगी कि धीरे धीरे गाड़ी के जो ये ब्रेक ड्रम है ये धीरे धीरे रोटेशन करना कम हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि वो रुक जाएगी। ठीक है, उसके साथ गाड़ी का व्हील भी रुक जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ ब्रेकिंग मैकेनिज्म वर्क करता है। इस तरह से एयर कंप्रेसर के सहयोग से एयर हमारा यहाँ आती है हमारा एयर चेंबर में, मतलब एक तरह का न्यूमेटिक सिलेंडर के अंदर, और वहाँ पर डायफ्रागम को और उसके पुश रट को इस तरह से एयर के सहयोग से पुश करता है जिससे पूरी मैकेनिज्म वर्क करती है। इस शेप यहाँ पर कैम यहाँ पर रोटेट करता है और यहाँ पे इस तरह से ब्रेक शू यहाँ पे क्या काम करता है कि बढ़िया तरीके से फैल जाती है और यहाँ पर फ्रिक्शन पैदा करने लगती है ब्रेक ड्रम के इंटरनल पार्ट में और यहाँ पर फाइनली ब्रेक लग जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर वर्क करता है। ठीक है, अब जैसे ही आप ब्रेक पेडल के ऊपर से यहाँ पर क्या होती है कि आप पैर हटाते हैं, जैसे ही पैर हटाते हैं तो क्या होती है ये जो नजर आ रही है आपके सामने एक तरह का वाल्व चैम्बर के सहयोग से नीचे में एक तो और यहाँ पे क्या होती है एक पाइप लगी होती है जिसके सहयोग से यहाँ पे बढ़िया तरीके से एयर यहाँ पे रिलीज हो जाती है और सारे मैकेनिज्म अपने अपने पोजीशन पे आ जाते हैं। अब जब यहाँ पे रिलीज होती है तो काफी एयर साउंड यहाँ पे क्रिएट करती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी अगर यहाँ पे हैवी टाइप के जो व्हीकल होते हैं चाहे बस होते हैं, जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं उसको गाड़ी को रोक देते हैं तो इस अचानक से एक यहाँ पे क्या होती है कि एयर यहाँ पे रिलीज होती है, एक साउंड क्रिएट होती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से वर्किंग करता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको न्यूमेटिक ड्रम ब्रेक सिस्टम के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा कि कैसे वर्क करता है, कि किस तरह से एयर के प्रेशर के सहयोग से यहाँ ब्रेकिंग सिस्टम वर्क करती है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिए।